क्योंकि जिसको अपना टाइम मैनेज करना आ गया वो स्मार्ट है। अगर आपका टाइम ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया तो गया। पहले आप टाइम को मारते हो, क्लियर हो रहा है ना? हम क्या करते हैं सुबह से रात तक, टाइम को मारते रहते हैं, मारते, फिर टाइम आपको मार देता है। चल बेटा टाइम दिया, जब करने का टाइम था तब कुछ किया नहीं, अब टाइम गया, अब बैठ करके रोता रहे, है ना? तो टाइम को कैसे हम ना मारें? हमें पता है कि हम टाइम को मार रहे हैं, है कि नहीं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप में से कितने हैं जो ऑनेस्टली बोल सकते हैं कि उन 24 घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहा हूं उसमें से एक घंटा भी? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इसको ध्यान से समझ लो, आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। That could be as simple as say an English speaking course or a personality development course or maybe something to do with communication skills, way of presenting yourself. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। Don't sit idle. सोचते ज्यादा है, करते कम है, और सोचते सोचते उस सोच में खुद ही उलझ जाते हैं। ऑप्शंस आ जाते हैं ना सोचते सोचते, ये करूं, अभी करूं, कल करूं, परसों करूं, व्हाटएवर इट इज। मतलब सोच का पूरा एक नेटवर्क है। जो हमारे थॉट्स है ना, अगर उनको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वो होता है कोई डिजायर। वहां से थॉट्स निकलने शुरू होते हैं और एक ब्रांच निकलती है पहले, फिर उसमें से एक और ब्रांच। अगर आपका माइंड बिल्कुल पीसफुल है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इमीडिएटली अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी, तो आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा। वो कुछ भी हो सकता है कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम का टाइम चल रहा है, पढ़ना। मिल गया ना जवाब? क्लियर हो गया ना? अपनी थॉट प्रोसेस जो बिखरी हुई है, सब तरफ बिखरी पड़ी है, उसको एक डायरेक्शन देना। माइंड कभी कह रहा है ये देखो, वो देखो, उससे बात करो, ये करो, वो करो, मूवी देखो, छोड़ो सो जाते हैं, एक दो लगा लेते हैं, चल छुट्टा मार के आते हैं, व्हाटएवर इट इज। माइंड तो कहीं का कहीं जा रहा है ना। आप माइंड को बार बार क्या बोल रहे हो? पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे पढ़ना, 2 महीने रहे, पढ़ता। और क्या करो इस मोमेंट में? तो और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिर्फ 1 महीना रहेगी एग्जाम में, इस टाइम तो और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर चीज में आपको क्लियर होना चाहिए, कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है, एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो, अब आप कह रहे हो कि यार सही है खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको यह दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करना, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मींस कि आप डल हो गए, समझ गए ना? दैट मींस आई एम ग्रोइंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आई एम नॉट स्टैग्नेंट, मैं रुके हुए पानी के जैसा नहीं हूं, इसमें काई जम जाती है, बहते हुए पानी के जैसा बह रहा हूं, बड़ी तेजी से बह रहा हूं, 24 घंटे सीख रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजी रहना, और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे तो बेकार है। कि घर वालों ने कहा है कि ये करियर चूज करो और पढ़ो, तो हाँ बस घर वालों ने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बेकार है। ठीक बात है ना, कि आप सही काम तो कर रहे हो लेकिन उसका फायदा क्या है? इफ यू नॉट चार्ज्ड अबाउट इट, इफ यू नॉट एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? तो
होगा क्या कि अगर ये सीखने वाला एटीट्यूड होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक इन योर लाइफ। आप कॉन्स्टेंटली आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, ग्रो करते चले जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि यार ये तो बस कुछ कमाल का कर गया बंदा, यानी कि दुनिया क्या कह रही होगी, अभी इसका पीक है। तब अपने आप को क्या बोलना, अभी तो मेरी शुरुआत है।